this time of Forex forecast. If you want to learn real money form Forex trading, then like my video, subscribe my channel. I help you all what you want. I am your friend. So, come with me and start Forex trading. It's all free of cost. Just like my video and subscribe my channel. Assalamu alaikum. Weekly Forex forecast ke saath aapki khidmat mein hazir hain. Aaj hum ये डिस्कस करेंगे कि जो इस वीक में छुट्टियां हैं तो उन हॉलीडेज़ का ट्रेडिंग पर क्या असर पड़ेगा. अच्छा, पिछले वीक में जो कुछ ऐसी अनसर्टेन कैफियत रही है फ्रैक्स में कि गोल्ड भी ऊपर ही रहा है और यूएस कैड भी ऊपर ही रही है. गोल्ड और डॉलर जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, लेकिन कुछ ऐसी सूरत हाल हैं, हर करेंसी का डिफरेंस डिफरेंट सिचुएशन होती है, तो इसलिए इसमें कोई बंदा भी 100% श्योर नहीं होता ट्रेडिंग के मामले में. लिहाजा सबसे पहले जब भी आप ट्रेडिंग करें, आप एहतियात के साथ ट्रेड करें, हर चीज़ को पॉसिबिलिटी में रखते हुए ट्रेड करें. अच्छा, शुरू करते हैं. सबसे पहले हम यूएस इंडेक्स से. अच्छा, यूएस इंडेक्स में जो चीज़ पॉसिबिलिटी है वो ये है कि मार्केट यहाँ जाने के बाद ये थोड़ा सा नीचे आएगी, और वो अगर इस लेवल को ब्रेक नहीं करती तो ये मज़ीद नीचे आ जाएगी. ये भी हो सकता है कि वो इधर से वापस ऊपर की तरफ जाए और फिर नीचे आए. तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है 96.91 का, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है. अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं जीबीपी यूएसडी की. जीबीपी यूएसडी में ये है कि मार्केट पहले ऊपर की तरफ जाएगी और उसके बाद ये नीचे आएगी. अच्छा, उसमें ये चीज़ कॉमन है कि अगर ये मार्केट नीचे से ही शुरू होती है तो मतलब जब ओपन होती है तो अगर वो इस लेवल से ओपन होती है तो ये ऊपर की तरफ जाएगी, और अगर वो इस रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ती तो अगर तोड़ देती है तो फिर तो जाहिर सी बात है ये ऊपर निकल जाएगी, अगर नहीं तोड़ती तो फिर ये नीचे की तरफ आ जाएगी. इसके बाद हम बात करते हैं यूएस कैड की, यूएस कनेडियन डॉलर में ये जो पॉइंट है जिस जगह पे आप मार्केट खड़ी है, ये बहुत ही पचीदा पॉइंट है. अगर मार्केट इसको तोड़कर ऊपर की तरफ जाती है तो ये 1.3665 तक इसके जाने का चांस है. अगर वो इस पॉइंट को तोड़ती है, अगर वो नीचे की तरफ आती है तो फिर ये नीचे ही आएगी. इसमें कभी इम्कान है कि ये मार्केट सेल में ही जाएगी इस वीक में. अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं यूएसडी जेपीवाई की, यूएसडी जैपनीज येन. अच्छा, इसमें जो चीज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इसमें मार्केट पिछले वीक में सेल में ही रही है. डॉलर जैपनीज येन के मुकाबले में खासा कमजोर रहा है. यहां पे ये नीचे आई है और ये हो सकता है कि यहां पे ये फ्लैग बनाए और उसके बाद ये नीचे आ जाए. अगर ये सिचुएशन नहीं होती, मार्केट ऊपर की तरफ जाती है तो ये इस लेवल को टच करेगी 112.48 और उसके बाद ये मार्केट नीचे आएगी. इसके बाद हम बात करते हैं गोल्ड की. गोल्ड में ये है कि ये मार्केट जिस पॉइंट पे खड़ी है इससे ये थोड़ा सा नीचे आएगी और उसके बाद ये ऊपर जाएगी. ठीक है, उसके बाद इसमें मोस्टली जो है वो बाय का ट्रेंड ही रहेगा, और ये अगर इस पॉइंट को तोड़ देती है तो फिर ये ऊपर की तरफ निकल जाएगी. उम्मीद है आपको हमारी ये फ्रेक्स फोरकास्ट पसंद आएगी.